हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स। हम हमारे आसपास बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, राइट? कभी सोचा ये सारी आवाज़ें कहाँ से बनती हैं, कैसे बनती हैं, हमारे कानों तक ये पहुँचती कैसे? इन दिस चैप्टर यू आर एग्जैक्टली गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। दिस इज योर चैप्टर नंबर 15, साउंड। लेट्स स्टार्ट। Now, what is sound? Sound एक form of energy होता है, okay? Like any other energy, जैसे mechanical energy, light energy, potential energy, kinetic energy, जैसे ही ये सारी energies होते हैं, वैसे ही sound भी एक form of energy होता है। बहुत सारी अलग अलग आवाजें हमें सुनाई देती है। ये सभी आवाजें एक सर्टेन वाइब्रेशन की वजह से होता है। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तब जाके साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, लेट अस सी हाउ दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। दैट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट कर रहा हो इट विल प्रोड्यूस अ साउंड। सो दैट मींस साउंड को सुनाई देना है तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना इज वेरी मच एसेंशियल। ओके, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तभी ही हमें कोई आवाज सुनाई दे। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क। नाउ दिस इज अ ट्यूनिंग फोर्क जिसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज दीज टू। ओके, दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड एज प्रोंग्स एंड द पार्ट जहाँ पे आप उसे होल्ड करोगे, ये ट्यूनिंग फोर्क को होल्ड करोगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेम। ओके, दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड प्रोंग्स एंड दिस वन इज कॉल्ड एज स्टेम। सो इस ऑब्जेक्ट को, दैट इज ट्यूनिंग फोर्क को, जब आप एक सर्फेस पे हिट करोगे तो इट विल प्रोड्यूस सर्टन साउंड। अब ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ओके, वाइब्रेट करना मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट्स। ओके, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स मतलब आगे पीछे, उसकी मेन पोजिशन से इट विल गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। नाउ दिस इज अ ट्यूनिंग फोर्क। ओके, हमने ये देखा दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड एज प्रोंग्स। ओके, इसे प्रोंग्स कहते हैं। नाउ व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क इज हिट टू अ सर्फेस, कोई भी सर्फेस को आप जब हिट करोगे तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वाइब्रेट होना मतलब उसकी मेन पोजिशन से इट विल गो बैकवर्ड। ओके, इसे कहते हैं हम बैकवर्ड मूवमेंट, मतलब उसकी मेन पोजीशन से, ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी मेन पोजीशन से इट इज़ गोइंग बैकवर्ड्स। सो दिस इज वन मूवमेंट एंड द अदर मूवमेंट इज दैट इज इट इज़ गोइंग आउटवर्ड्स। उसकी मेन पोजीशन से वो बाहर की तरफ जा रहा है, दैट इज इट इज़ मूविंग आउटवर्ड और फॉरवर्ड, आगे जा रहा है। दीज मूवमेंट्स जब ये रिपीटेडली परफॉर्म होते हैं तब जाके एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है। लेट्स सी दैट। सो वाइब्रेशन में ये मूवमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस होता रहे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इट विल कंटिन्यूसली कीप ऑन मूव। सो अंडरस्टूड व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट उसकी मेन पोजिशन से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, दैट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होते हैं। अब इस टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? लेट्स सी दैट। So here we are taking a tuning fork. This is a tuning fork जो कि अभी फिलहाल stationary position पे, उसको हमने कहीं पे hit नहीं किया, कुछ नहीं किया, it is stationary, कोई movement नहीं हो रहा है उसमें। And these are the air particles that is present just ahead of it. Okay, tuning fork के आगे ये air particles present है जिसको हमने तीन regions में divide किया, region A, region B and region C. ओके, इसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कलर्स में दिखाया गया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये मूवमेंट कैसे होगा। सो स्टेशनरी पोजीशन पे ट्यूनिंग फोक में कोई मूवमेंट नहीं होगा, दैट मींस इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी चेंजेस टू द एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट अहेड ऑफ इट। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अब हम इस ट्यूनिंग फोक को एक सर्फेस पे हिट करेंगे, जब हम सर्फेस पे हिट करेंगे तो इट विल मूव फॉरवर्ड, उसकी मेन पोजीशन से इट इज मूविंग फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड मूवमेंट है। ओके, सो फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से व्हाट इट विल, जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है उसके अंदर कुछ तो पार्टिकल्स होंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर के पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज वाइब्रेटिंग। सो ये एनर्जी वो क्या करेगा, इट विल ट्रांसफर टू द एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट जस्ट अहेड ऑफ इट। फर्स्ट स्टेशनरी पोजीशन में हमने देखा ऑल द एयर पार्टिकल्स इक्वली स्पेस्ड थे। ओके, पर जब हमने इस ट्यूनिंग फोक को हिट किया एक सर्फेस पे तो उसने उस एनर्जी को ट्रांसफर किया, ड्यू टू व्हिच दैट एनर्जी मेड दीज पार्टिकल्स कंप्रेस्ड टुगेदर, मतलब उनका डेंसिटी बढ़ गया है, द नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स इन दिस रीजन, रीजन ए की बात हो रही है, रीजन ए में एयर पार्टिकल्स ज्यादा हो गए हैं, दैट मींस उनका डेंसिटी बढ़ गया है। यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, प्रेशर भी यहाँ पे हाई हो जाएगा, मतलब फिलहाल रीजन ए कौन से स्टेट में है, इट इज एट कंप्रेस्ड स्टेट। ओके, ये कब हुआ, जब ट्यूनिंग फोक ने फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाया, दैट इज वो अपनी मेन पोजीशन से बाहर की तरफ जब वो मूव किया
तभी उसने जस्ट उसके सामने जो भी एयर पार्टिकल्स थे उनको एनर्जी ट्रांसफ़र करी, बिकॉज ऑफ विच सारे एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ गए, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में आ गए, इसीलिए वो फिलहाल कंप्रेस्ड स्टेट में है। आप रीजन बी और सी देख सकते हो, देर इज़ नो डिस्टर्बेंस एज ऑफ नाउ। ठीक है, ये था कंडीशन टू। कंडीशन वन हमने देखा था जब ट्यूनिंग फोक स्टेशनरी पोजिशन पे था, तो देर वॉज नो डिस्टर्बेंस, ओके, एयर पार्टिकल्स एज इट इज थे। कंडीशन टू, जब ट्यूनिंग फोक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाया, तो एयर पार्टिकल्स जस्ट अहेड ऑफ इट शोड कंप्रेस्ड स्टेट। नेक्स्ट कंडीशन इज कंडीशन थ्री, में हम बात करेंगे अबाउट इनवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट। ओके, जब ट्यूनिंग फोक बैकवर्ड मूवमेंट दिखाता है, तो व्हाट हैपेंस, इट इज गोइंग बैकवर्ड्स, मतलब यहाँ पे एयर पार्टिकल्स को ज्यादा जगह मिल गई है टू स्प्रेड आउट। सो एज अ रिजल्ट ए रीजन के एयर पार्टिकल्स ने क्या किया, दे जस्ट स्प्रेड आउट, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स रेड्यूस्ड। ओके, डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स रेड्यूस्ड एंड प्रेशर ऑल्सो रेड्यूसेस। बट यू कैन सी रीजन बी, रीजन बी पहले कौन से कंडीशन में था, इट वॉज नॉर्मल स्टेट, सभी एयर पार्टिकल्स इक्वली स्पेस्ड थे। बट यहाँ पे जब रीजन ए रिलैक्स्ड स्टेट में चला गया, तो इट ट्रांसफर्ड दैट एनर्जी टू रीजन बी, बिकॉज ऑफ विच रीजन बी अभी फिलहाल कंप्रेस्ड स्टेट में है। अब ये जो प्रोसेस है, एक एक रीजन कंप्रेस्ड स्टेट में जाएगा तो दूसरा रीजन रिलैक्स स्टेट में जाएगा। अब रिलैक्स स्टेट को क्या कहते हैं, वील टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, सो जैसे ही रीजन ए रिलैक्स्ड हो गया, तो रीजन बी कंप्रेस्ड हो गया। वैसे ही जब रीजन बी रिलैक्स्ड हो जाएगा, तो कौन सा रीजन कंप्रेस्ड हो जाएगा, रीजन सी कंप्रेस्ड हो जाएगा। ओके, सो दिस विल गो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशंस ऑफ द ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक फॉरवर्ड रहेगा, तो उसके जस्ट आगे जो रीजन रहेगा, इट विल बी कंप्रेस्ड। तो जब ट्यूनिंग फोक बैकवर्ड चला जाएगा, तो वट एवर द रीजन विल बी जस्ट अहेड ऑफ इट, वो रिलैक्स स्टेट में जाएगा, एंड उसके आगे का रीजन कंप्रेस्ड स्टेट में जाएगा। एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन टिल वन पॉइंट, जहां पे हमारे कानों तक ये आवाज पड़ेगी। आवर ईयर ड्रम्स विल गेट दीज वाइब्रेशंस, एंड ड्यू टू विच वी गेट द सेंस ऑफ हियरिंग। हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, देयर इज सर्टेन वाइब्रेशन हैपेंड एंड दैट इज अ साउंड। ओके, सो दैट इज हाउ वी हियर साउंड्स अराउंड अस। सो यहाँ पे ये समझा, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से कंप्रेस्ड एंड रिलैक्स स्टेट होते हैं, एंड ड्यू टू दिस ये वाइब्रेशंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। अब ये एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है। नाउ ये कंप्रेस्ड स्टेट एंड रिलैक्स्ड स्टेट को क्या कहते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। द रीजन इन विच द एयर इज एट हाई प्रेशर, ये रीजन जहाँ पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है और प्रेशर भी ज्यादा है, ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, सच रीजन्स आर कॉल्ड एज कंप्रेशन। एंड द अदर रीजन जहाँ पे एयर की डेंसिटी कम है एंड द प्रेशर इज ऑल्सो लो, सच रीजन इज कॉल्ड एज रेरिफैक्शन। ओके, सो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर द डेफिनेशन फॉर दैट। द रीजन इन विच एयर इज एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी इज कॉल्ड रेरिफैक्शन, एंड द रीजन इन विच द एयर इज एट हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। ओके, सो क्लियर, कंप्रेस्ड स्टेट, जब एक स्टेट रेरिफाइड होता है, रेरिफैक्शन में जाता है, तो उसके आगे का रीजन कंप्रेस्ड स्टेट में चला जाता है। दिस गोज ऑन हैपनिंग रिपीटेडली, ओके, टिल द ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, जब तक ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता रहता है, कंप्रेशन रेरिफैक्शन ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, एंड ड्यू टू दिस राइजेस साउंड वेव्स। ओके, इसकी वजह से बनते हैं साउंड वेव्स। ओके, सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज साउंड। साउंड एक एनर्जी है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है, बिकॉज ऑफ विच कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड। कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ दीज साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रांसफर, इन्हें कोई मीडियम चाहिए होता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। दिस इज अ इलेक्ट्रिक बेल जिसको बेल जार के अंदर रखा हुआ है। देयर इज अ पाइप जिसको हमने वैक्यूम पंप के कनेक्ट किया है, दैट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द एयर, जिसको जब हम ऑन करेंगे, तो इस बेल जार के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट रहेगा, इट विल जस्ट सक दैट एयर आउट ऑफ इट। राइट नाउ इस जार के अंदर एयर इज प्रेजेंट, ओके, हम क्लोज करके रखेंगे, स्टिल गैप्स के अंदर से एयर तो उसके अंदर जाएगा ही। व्हेन यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल, आपको आवाज सुनाई देगी, ओके, उस बेल की आवाज सुनाई देगी। अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टर्न ऑन द वैक्यूम, सो दैट इसके अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है, इट विल जस्ट मूव आउट, पूरा जो जगह है, इट विल बिकम वैक्यूम।
ओके वो वैक्यूम स्टेट में चला जाएगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब ही क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं है। वैक्यूम मीन्स नो मैटर इज प्रेजेंट इनसाइड इट। नो मैटर इज प्रेजेंट मीन्स नो पार्टिकल्स आर देयर, कोई भी चीज नहीं है उसके अंदर, नथिंग इज देयर। ओके सो जैसे ही ये वैक्यूम पंप आप ऑन करोगे, इट विल स्लोली सक दैट एयर आउट एंड यू कैन नोटिस दैट आपको वो जो आवाज इलेक्ट्रिक बेल की जो वॉल्यूम में सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे वो वॉल्यूम कम होता जाएगा। दैट इज बिकॉज एयर का डेंसिटी उसमें कम होता जा रहा है। जैसे ही एयर का डेंसिटी कम होता जा रहा है, वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। एंड एट सर्टेन पॉइंट ये बेल जार के अंदर सिर्फ वैक्यूम रहेगा एंड आपको ये आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। स्विच तो ऑन ही रहेगा बट आवाज नहीं आएगी। व्हाई? बिकॉज ये वैक्यूम है और वैक्यूम के अंदर कोई मैटर प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट प्रोपोगेट दैट साउंड। ओके, साउंड को ट्रांसफर नहीं कर पाता है क्योंकि वो वाइब्रेशंस जो हो रही है इस इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, वो वाइब्रेशंस को मूव करने के लिए कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। एयर होगा तो पार्टिकल्स होंगे तो वो ट्रांसफर होगा, बट जब वैक्यूम है तो कोई पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो देयर इज नो मीडियम फॉर इट टू ट्रांसफर। नाउ इससे व्हाट वी कैन कंक्लूड, इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझा, साउंड जो होता है इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रांसफर। साउंड नीड्स अ medium to transfer from one point to another. Now this medium can be air, it can be any liquid or it can be any solid. Okay, so sounds transfer ho sakte hai through air, liquid and any solid object. Okay, so clear that sound requires a medium to transfer from one point to another and this medium can be air, liquid or any solid object. Okay, let's move ahead now. सो ट्यूनिंग फोर्क के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन मीन्स टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब जाके साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? हमने उससे ये भी देखा कि कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कंप्रेशन स्टेट क्या था? कंप्रेशन स्टेट में जब एयर की डेंसिटी एंड एयर का प्रेशर जब हाई हो जाता है तो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन स्टेट, राइट? एंड द अदर स्टेट इज जब भी एयर की डेंसिटी और एयर का प्रेशर कम हो जाता है तो दैट गिव्स राइज टू अ रेरिफैक्शन। सो जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो एयर में compression and rarefactions produce hote hain. Now because of these compressions and rarefactions a certain kind of wave is produced and that waves are called as sound waves. Okay, ye waves ko kya bolte hain hum? Sound waves. Ye kyun produce ho rahe hain? Because of compression and rarefactions. Ab compressions and rarefactions kyun produce hote hain? Because of vibration of object. To jab bhi ek object vibrate hota hai to compressions and rarefactions are produced and due to which sound waves are produced. So ek compression और एक रेरिफैक्शन, ये कंप्रेशन और ये रेरिफैक्शन इकट्ठा हम इसे कहेंगे वन साइकिल ऑफ द वेव। ओके, क्लियर है? कंप्रेशन रेरिफैक्शंस की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुए और वन साइकिल ऑफ वेव क्या होता है, एक कंप्रेशन और एक रेरिफैक्शंस को साथ में हम कहते हैं वन साइकिल ऑफ द वेव। अब ये कितने साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं डिपेंड्स अपॉन कि कितनी बार इट इज शोइंग टू एंड फ्रो मूवमेंट्स, कि कितनी बार ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा उससे डिपेंड करेगा कि कितनी बार ये ऑब्जेक्ट कितनी साइकिल्स ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा एंड दैट इज मेजर्ड इन वन सेकेंड। ओके, एक सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितनी बार वाइब्रेट करता है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साइकिल्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुए हैं। ओके, सो द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एयर और एनी अदर मीडियम पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। ओके, सो हमने देखा साइकिल क्या होता है, वन कंप्रेशन एंड वन रेरिफैक्शन इज अ वन साइकिल। सो ये कितने साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेकेंड में। ओके, वन सेकेंड में कितने साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, दिस इज अ यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। सो अगर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग वन टाइम इन वन सेकेंड, ओके, वन टाइम इन वन सेकेंड, तो उसका फ्रीक्वेंसी हम क्या कहेंगे, इट विल बी वन हर्ट्स। ओके, एच जेड इज हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अगर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट 100 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है इन वन सेकेंड, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 100 हर्ट्स। ओके, सो इफ आई से दैट ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग 1000 टाइम्स
इन वन सेकेंड उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके सो अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने साइकिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेकेंड में, कोई भी मीडियम में. ओके सिर्फ एयर ही नहीं, एयर या एनी अदर मीडियम में वन सेकेंड में कितने साइकिल्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. एंड फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हम हर्ट्स में. ओके क्लियर. So we understood what is frequency. Frequency मतलब number of waves produced in one second. Object की frequency की वजह से different sounds कैसे produce होते हैं उसका एक best example है जल तरंग. Okay? Now जल तरंग is a musical instrument. Okay? इसके अंदर bowels होते हैं जिसके अंदर amount of water is different in different bowl. मतलब अभी this is a bowl. If it has this much of water, मतलब उसमें air column कितना होगा, ये air column है. Okay? पानी के ऊपरी सरफेस से बाउल के ऊपर तक जो स्पेस अवेलेबल है दैट इज द एयर कॉलम. ओके यहाँ पे हम उसे कहेंगे एयर कॉलम. तो पानी जितना कम रहेगा उतना ज्यादा एयर कॉलम अवेलेबल रहेगा, राइट. पानी जितना भरा होगा उतना स्पेस कम हो जाएगा, दैट इज एयर कॉलम रिड्यूस हो जाएगा. सो ऑल दीज बाउल्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. कम पानी मतलब ज्यादा एयर कॉलम, ज्यादा पानी मतलब एयर कॉलम कम. अब उससे फ्रीक्वेंसी पे क्या असर होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अब जब इस कप्स को स्ट्राइक करते हैं तो म्यूजिकल साउंड्स बनता है. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बहुत ही अच्छे सा म्यूजिक प्रोड्यूस होता है इससे, जिसे हम जल तरंग कहते हैं. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड अ वीडियो ऑन दिस, डू वॉच इट ऑन यूट्यूब, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. अब एक कप में जिसमें लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो यहाँ पे एयर कॉलम, एज यू कैन सी, एयर कॉलम कितना है, एयर कॉलम ज्यादा है. तो जहाँ पे लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है इट विल हैव हाईएस्ट रीजन ऑफ एयर कॉलम. एयर कॉलम ज्यादा मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रहेगा वो लो रहेगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल बी लेस. ओके इट विल बी लेस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस होगा उससे लो पिच होगा, इट विल बी लो पिच्ड. ओके सो लो पिच्ड साउंड मतलब एकदम हल्की सी आवाज आएगी एंड वेरी प्लीजिंग साउंड. ओके सो जहाँ पे पानी कम है एयर कॉलम ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड विल बी लेस एंड ड्यू टू विच साउंड प्रोड्यूस्ड विल बी लो पिच्ड. अब वही अगर हम बात करें जहाँ एक बाउल जिसके अंदर ऑलमोस्ट इट इज फुल, ओके जिसके अंदर पानी ऑलमोस्ट फुल है, तो यहाँ पे एयर कॉलम यू कैन सी इट इज वेरी लेस. ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल बी मोर. ओके इट विल बी मोर एंड हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगा इस बाउल से. ओके सो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझा, जहाँ पे एयर कॉलम ज्यादा होगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब नंबर ऑफ वेव्स कम होंगे, एंड जहाँ पे एयर कॉलम कम होगा, पानी ज्यादा होगा एंड एयर कॉलम कम होगा, वहाँ पे द फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड विल बी मोर, एंड उसी वजह से जो आवाज सुनाई देगी इट विल बी हाई पिच्ड. ओके व्हेन ऑल दीज बाउल्स आर प्लेड टुगेदर दे जनरेट अ ब्यूटिफुल साउंड एंड ब्यूटिफुल म्यूजिक. इट्स प्लीजिंग टू हियर दैट म्यूजिक. अगर आपने नहीं देखा है तो डू वॉच इट ऑन यूट्यूब, टाइप जल तरंग एंड यू विल गेट मेनी वीडियोस ऑन इट. सो क्लियर विद दिस, फ्रीक्वेंसी लेस है तो साउंड भी कम प्रोड्यूस होगा, लो पिच्ड प्रोड्यूस होगा. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो साउंड हाई पिच्ड प्रोड्यूस होगा. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. सो लास्ट एग्जांपल जल तरंग के एग्जांपल से हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स को अगर हम एडजस्ट करें तो उसमें से अलग अलग डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. मतलब लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होगा, हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होगा. देयर आर लॉट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं. साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करें तो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. सो म्यूजिक में साउंड नोट्स होते हैं, दैट इज दीज आर द साउंड प्रोड्यूस्ड इन म्यूजिक. ओके तो बहुत सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक थिन पीस ऑफ वायर होता है. यू कैन सी दिस वायलिन एंड गिटार, उसमें क्या होता है, दे हैव फ्यू स्ट्रिंग्स इन देम, जिससे कि व्हेन वी स्ट्रक दैट स्ट्रिंग म्यूजिक और साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ओके दीज स्ट्रिंग्स आर प्लेस्ड टाइटली बिटवीन टू पॉइंट्स. यू कैन सी ये पॉइंट्स, ओके दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग्स को वहां पे एकदम टाइटली प्लेस किया जाता है एंड जब भी इस स्ट्रिंग को प्लग करते हैं हम तो डिफरेंट साउंड नोट्स आर प्रोड्यूस्ड. ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग. हम उसे प्लग कर रहे हैं वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करने लग जाएगा एंड वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है.
ये वाइब्रेशन इट विल पास ऑन टू द एयर मीडियम एंड वी हियर द साउंड. ओके, अगर म्यूजिकल शोज देखे होंगे तो यू कैन सी द आर्टिस्ट बिफोर परफॉर्मिंग दे डू समथिंग विद द इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, दे टाइटन द स्ट्रिंग्स एंड ऑल, दे एडजस्ट इट. उन्हें उस चीज की पहचान होती है तो वो उसे एडजस्ट करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग्स डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रिंग्स. ओके, हर एक स्ट्रिंग का अलग अलग फ्रिक्वेंसी होता है एंड अलग अलग साउंड वो प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली फ्लूट, शहनाई, ये सब में क्या कहते हैं, पर्सन विल ब्लो इन टू इट. और यहाँ पे देख सकते हो देयर आर लॉट ऑफ होल्स इन इट. कुछ होल्स को वो ओपन रखते हैं, कुछ को क्लोज करते हैं. देयर हैंड मूवमेंट इफ यू कैन सी, वो एयर के फ्लो को एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं. एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ एयर, अब व्हेन यू आर ब्लोइंग इट, सर्टेन वाइब्रेशन हैपेंस एंड दिस वाइब्रेशंस कम आउट ऑफ दीज होल्स एंड यू कैन हियर दैट प्लेजेंट साउंड. So in your textbook, different frequencies of the different musical notes are given. You can refer that. Okay. Let's see now how sound is produced by humans. आप अपने गले पे आपकी फिंगर्स रख के यू कैन जस्ट टॉक समथिंग, यू विल फील सर्टेन वाइब्रेशन ऑन योर हैंड्स. व्हाई? बिकॉज हमारी जो आवाज आ रही है दैट इज थ्रू आवर थ्रोट. कि हमारे गले के अंदर वी हैव सर्टेन थिंग दैट प्रोड्यूसेस साउंड. वी हैव साउंड बॉक्स इन आवर थ्रोट जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स. ओके, what is called larynx kehte hain. How sound is produced when we talk? Let's understand that. Now we have certain things called as vocal cord. Sound box hai, larynx hai. Sound box ko kya kehte hain hum? Larynx kehte hain. Larynx mein we have two vocal cords. Okay? We have two vocal cords jo ki muscles ko attached rehte hain. Now you can see this white stuff. These are our vocal cords. ये muscles को attached है. Larynx के अंदर जो muscles होते हैं वो उसे attached है. तो जब हम बात करते हैं तो ये close हो जाते हैं. You can see the picture number 2. It closes. There is a small slit between these two. When it is relaxed state, उसका slit ज़्यादा हो जाता है. That is, उनके बीच का जो gap होता है वो ज़्यादा हो जाता है. Our lungs is continuously pushing out air, but जब हम बात नहीं कर रहे हैं तभी आवाज़ क्यों नहीं आती है? बिकॉज ये जो गैप होता है वो जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं. इट इज़ रिलैक्स्ड एंड द गैप इज मोर. ओके, गैप बिटवीन द वोकल कॉर्ड इज मोर. वोकल कॉर्ड इज मोर ड्यू टू विच वी डू नॉट हियर एनी साउंड. बट वेन वी स्टार्ट टॉकिंग दीज वोकल कॉर्ड इट गेट्स स्ट्रेच्ड. And due to this, there is only a small slit left between the vocal cords. Vocal cords एकदम पास आ जाते हैं and जब lungs air को push out करता है तो that air is passing out through this small slit. इस small slit से बाहर आने की वजह से जो vocal cords होते हैं वो vibrate करने लग जाते हैं. And we have seen जब भी कोई object vibrate करता है तो it produces sound. Okay, so lungs जब air को push out करते हैं the vocal cords vibrate and due to this sound is produced. Okay, so understood how sound is produced by humans. Humans में larynx होता है जिसे हम sound box कहते हैं. Sound box के अंदर दो vocal cords होते हैं जो कि muscles को attached होते हैं. जब वो relaxed होते हैं तो उनके बीच में gap ज़्यादा होता है. इसीलिए lungs जब air को push out करते हैं we do not hear any sound. But when we start talking, vocal cords come very close to each other and there is only a slight gap between the vocal cords. जिससे जब air push out होता है तो vocal cords start vibrating and that is how sound is produced. Clear? So जितना ज़्यादा tight and thin ये vocal cord होगा उतना high frequency का sound produce होता है. Okay? It gives rise to high frequency sound. जितना लूज एंड थिक होगा उतना लेसर और लो फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा. मेल्स में जो वोकल कॉर्ड का लेंथ होता है दैट इज ये पार्ट, ये वोकल कॉर्ड जो होता है उसका लेंथ होता है 20 mm एंड फीमेल में इट इज
15 mm, फीमेल का वोकल कॉर्ड 5 mm कम होता है मेल से, इसीलिए फीमेल प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। ओके, फीमेल में जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ वेरी हाई। इवन छोटे बच्चों में आप देख सकते हो वोकल कॉर्ड का लेंथ बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई दे प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। चीखते चिल्लाते हैं तो एकदम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट? तो दैट इज बिकॉज वोकल कॉर्ड का लेंथ उनमें बहुत कम होता है। डिफरेंट साउंड्स जो अलग अलग लोगों की अलग अलग आवाजें होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ओके, सो दिस इज क्लियर हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। पार्टीज में वी ऑल लव लाउड म्यूजिक। लाउड म्यूजिक, पार्टी सॉन्ग्स, डांस करना बहुत पसंद है सबको, राइट? ये लाउड म्यूजिक, ये जो लाउड स्पीकर से जो इतनी तेज आवाज आती है, जो इफेक्ट हमें वो फील आता है पार्टी का, वो कैसे होता है? लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर के अंदर यू कैन सी एक परमानेंट मैग्नेट है, ये जो ग्रीन पार्ट यू कैन सी दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट, एंड द रेड पार्ट ओवर हियर इज अ कॉइल दैट इज रैप्ड अराउंड द मैग्नेट। अब जब भी इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके आसपास, ये हमने सीखा था पहले भी। जब भी करंट फ्लो हो रहा है दैट करंट गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो क्लियर, मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड एक कॉइल को रखा गया है, कॉइल के अंदर से जब करंट पास होगा तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड द कॉइल। ओके, इतना क्लियर है? जब भी हम दो मैग्नेट्स को पास लेकर आते हैं, अगर उनके लाइक पोल्स दैट इज नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को अगर हम लेकर आए तो व्हाट विल हैपन, वो रिपेल होंगे। ओके, दे विल रिपेल। अगर हम ऑपोजिट पोल्स को लेकर आए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, क्या होगा, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड द कॉइल विल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। उसकी मेन पोजिशन से वो आगे और पीछे इट विल मूव। ओके, इट विल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर लाइक पोल्स आ रहे हैं तो वो उस मैग्नेट से दूर जाने की कोशिश करेगा, एंड अगर ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट होगा। अब ये कॉइल से कनेक्टेड है स्क्रीन, यू कैन सी दिस कॉनिकल स्क्रीन। तो कॉनिकल स्क्रीन कनेक्टेड है कॉइल से, सो व्हाट विल हैपन, जब भी कॉइल मूव करेगा तो ये स्क्रीन भी मूव करेगा। अब ये कॉइल की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स, कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड एम्पलीट्यूड मतलब ये जो आगे पीछे जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी मेन पोजीशन से। नाउ दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन, जब वो आगे की तरफ जाएगा तो इट इज कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितना है इज इंडिकेट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉइल। तो एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा कि कितना करंट इस कॉइल के अंदर से पास हो रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा उस कॉइल का फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होगा। ओके, तो जितना ज़्यादा वो आगे पीछे करेगा उतना ही ये स्क्रीन भी आगे पीछे मूव करेगा। एंड वी हैव सीन अर्लियर ऑल्सो, आगे पीछे मूव करना मीन्स इट इज द ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, टू एंड फ्रो मूवमेंट और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। एंड जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो इट गिव्स राइज टू साउंड। ओके, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट इज हाउ द इनसाइड और द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ लाउड स्पीकर इज, एंड बिकॉज ऑफ दिस साउंड प्रोड्यूस होता है एंड वी कैन हियर लाउड म्यूजिक। क्लियर? सो दिस इज हाउ अ लाउड स्पीकर वर्क्स। लाउड स्पीकर के कॉइल की मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशंस होते हैं, एंड वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड वी कैन हियर दैट साउंड लाउडली। नो मैटर हाउ मच वी लव म्यूजिक, हाउ मच वी लव लाउड म्यूजिक, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दूसरों को इस लाउड म्यूजिक से कभी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। साउंड पोल्यूशन इज अ थिंग नाउ, इट इज हैपनिंग अराउंड अस। इससे बहुत सारे एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, एंड इट इज अफेक्टिंग सोशल हेल्थ अलॉट। सो वी शुड अवॉइड साउंड पोल्यूशन, ऑलवेज ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाई द अथॉरिटीज। सो दिस वॉज योर चैप्टर 15 साउंड। ओके, आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स, comment it down in the comment section. Do share your feedbacks in the comment section. If you like my teaching, please hit that like button, subscribe to my channel, and share it with your friends. This is Shreeja signing off. See you in the next video.